हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर फाइन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। इसमें टोटल 2 इलस्ट्रेशन है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन मैं करूंगा, सेकंड आपको होमवर्क में दूंगा। अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है तो मेरे को बोलना, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। बट इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें ये इक्वेशन सेम रहता है, यानी कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों क्या रहता है? सेम। तो सर इसका मीनिंग तो बताओ, ए सी एंड एल, इसका मीनिंग क्या है? तो ए मीन्स एसेट्स, सी मीन्स कैपिटल एंड एल मीन्स लाइबिलिटीज। यहाँ पे हम एसेट्स और दूसरे नेम में रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। ओके, इसको हम रिसीवेबल भी बोलेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर एसेट्स इंक्रीज होती है, क्या होती है? एसेट्स इंक्रीज, तो सामने कैपिटल या लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं। बाय द वे, एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो कैपिटल या लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होती है, या फिर सिंगल इफेक्ट रहती है, एसेट्स ही इंक्रीज होती है एंड एसेट्स ही डिक्रीज होती है। जितनी इंक्रीज हुई इतनी डिक्रीज हुई इज इक्वल टू क्या रहा? चेंजेस जीरो। सो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, वो ट्रांजेक्शन के हिसाब से ये इक्वेशन इक्वल रहता है। एसेट्स इंक्रीज होती है तो सामने कैपिटल एंड लाइबिलिटीज भी उतनी होती, कैपिटल या लाइबिलिटीज इंक्रीज रहती है। एसेट्स डिक्रीज होती है तो सामने कैपिटल या लाइबिलिटीज भी उतनी डिक्रीज रहती है, या फिर एसेट्स ही इंक्रीज या डिक्रीज होती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं कि भाई 50,000 रुपीज़ ला के बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस द बिजनेस विथ 50,000 रुपीज़। तो चलिए, सो हमारे बिजनेस में क्या हुआ, हम ड्यूअल इफेक्ट देखते हैं। तो कम्स कैश कम्स इन एंड ओनर इज गिवर, राइट? सो कैश कम्स इन है, सो क्या आएगा? कैश अकाउंट, और ओनर है तो क्या आएगा? कैपिटल। कैश किस में आता है? रियल, रियल यानी कि एसेट्स। तो एसेट्स में कितनी कैश आई, एसेट्स अकाउंट में कितना कैश आया? 50,000 इंक्रीज हुआ, तो सामने कैपिटल भी आया ना, ओनर ने दिया तो कैपिटल अकाउंट आया ना, तो कैपिटल भी कितना इंक्रीज हुआ? 50,000। तो एसेट्स इंक्रीज हुई उतना ही कैपिटल इंक्रीज हुआ कि नहीं? यस या नो? सो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एसेट्स जितनी इंक्रीज होती है उतनी कैपिटल भी इंक्रीज होती है। चलिए, सेकंड कैपिटल में और क्या क्या हम लिख सकते हैं? अगर हमको कोई प्रॉफिट या अदर इनकम होती है, प्रॉफिट या अदर इनकम होती है तो वो कैपिटल बोला जाता है, उसमें प्लस होता है। और कोई एक्सपेंस या लॉस होता है, क्या होता है? एक्सपेंस या लॉस, तो हमारी उतनी कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज होती है, यानी कि उसकी इफेक्ट कैपिटल पे रहती है। तो अब हम देखेंगे इसके सम, देखते हैं इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये सब बोर्ड पे नहीं आ सकता, इसीलिए चार्ट पेपर पे बना रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1, यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखेंगे, उसकी इफेक्ट, और ए इज इक्वल टू सी प्लस एल जो हमारे पास फॉर्मूला है, इक्वेशन है, उसमें कैसे इफेक्ट होगी वो देखेंगे। ये सॉल्व करने की 2 मेथड है। इसमें हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन फर्स्ट मेथड से देखेंगे और सेकंड इलस्ट्रेशन सेकंड मेथड से देखेंगे। ओके, जितना हो सके उतने में ट्रांजेक्शन ले लूँगा। अगर एक दो ट्रांजेक्शन बच जाता है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करवा दूँगा, लिखूँगा नहीं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा क्या है। जनरल एंट्री आर रिटर्न एज फॉलो एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एक्सप्लेन इन इक्वेशन फॉर्म। जनरल एंट्री तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमने जनरल एंट्री अभी तक की नहीं है। तो चलिए हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं। ब्रॉट 50,000 एंड कमेंस बिजनेस।
50,000 लाके हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ ऐसे इफेक्ट है। तो देखो इसके इफेक्ट क्या होगी, तो सर कैश कम्स इन, कैश आएगा एंड ओनर इज गिवर, ओनर हमको देगा ना। सो ओनर कुछ भी देता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो एसेट्स का मीनिंग क्या होता है, एसेट्स में आता है गुड्स एंड एसेट्स, सी फॉर कैपिटल एंड एल फॉर लाइबिलिटीज। ओके सो यहाँ पे कैश कम्स इन कितने का आया, 50,000 का कैश आया, तो एसेट्स में लिखा जाएगा कैश 50,000 रुपीस, और उतनी कैपिटल भी आई सो कैपिटल में लिखा जाएगा 50,000 रुपीस। सो टोटल हमारे पास कितना है, कैपिटल 50 है एंड कैश अमाउंट भी 50 है। तो देखो ए इंक्रीज हुआ, सामने सी भी इंक्रीज हुआ, ये मैं एरो बता रहा हूँ जो आपको पता चलेगा कि ए इंक्रीज हुआ, एसेट्स जितना इंक्रीज होता है उतना कैपिटल इंक्रीज हुआ। ओके तो अब देखते हैं नंबर टू। सो नंबर टू, तो टू लिखने से पहले ऊपर का जो बैलेंस है हम पहले लिख देंगे, कैश हमारे पास था 50,000 एंड कैपिटल था 50,000, राइट। अब जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा इसमें करेंगे। नंबर टू, फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 10,000, परचेज फॉर रुपीज 10,000। सो 10,000 में हमने फर्नीचर परचेज किया, ड्यूअल इफेक्ट क्या होगी, फर्नीचर कम्स इन एंड दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन सो कैश गोज आउट, फर्नीचर कम्स इन एंड कैश गोज आउट, कितना रुपीस 10,000। तो चलिए कैश गया माइनस कैश, यानी कि कैश डिक्रीज हो गया 10,000, तो अब कैश कितनी है हमारे पास 40,000, और सामने फर्नीचर आया तो फर्नीचर इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स, फर्नीचर कितने का आया 10,000, सो टोटल अमाउंट इज अ 50,000, यहाँ पे कैपिटल भी 50,000 है। सो दोनों साइड देखो इक्वेशन हो गया क्लियर, यानी कि ए इंक्रीज हुआ और ए ही डिक्रीज हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ ए ही इंक्रीज हुआ एंड ए ही डिक्रीज हुआ। नाउ नंबर थ्री, गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 परचेस इन कैश, गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 परचेस इन कैश, यानी कि हमने कैश में गुड्स परचेस किया है। तो पहले ये ऊपर वाली इफेक्ट लिख देते हैं, कैश हमारे पास कितनी है 40,000, फर्नीचर कितना है 10,000, सामने कैपिटल कितनी है 50,000 की। चलिए हमने गुड्स परचेस किया है तो गुड्स कम्स इन एंड कैश से परचेस किया है सो कैश गोज आउट, कितना रुपीस 12,000, गुड्स आया और कैश गया यानी डिक्रीज, कितना गया कैश 12,000, तो कैश में से हम माइनस कर लेंगे 40-12 इज इक्वल टू 28,000, और गुड्स आया तो गुड्स यहाँ पे लिखा जाएगा कितना आया 12,000, सो इसका टोटल लगाएंगे तो कितना होगा 50,000, इसका भी टोटल कितना हो रहा है 50,000, यानी कि ए ही इंक्रीज हुआ और ए ही डिक्रीज हुआ। ओके सो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं उसके बाद नंबर फोर, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेज फ्रॉम बी, गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेस फ्रॉम बी, बी के पास से परचेस किया है, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, गुड्स कम्स इन एंड बी इज गिवर, राइट, बी ने हमको गुड्स दिया है सो बी इज गिवर। चलिए इसको लिखते हैं, हमारे पास कैश कितना था तो 28,000 एज इट इज रहेगा, फर्नीचर कितना है 10,000 एज इट इज रहेगा, गुड्स कितना था तो सर गुड्स 12,000 था और नया गुड्स आया ना कितने का आया 8,000 का, तो प्लस इंक्रीज हुआ 8,000,
यानी टोटल गुड्स कितने का हुआ 20,000. सो 20 + 10 = 30, 30 + 28 यानी कि 58,000. चलिए गुड्स की एंट्री हो गई. सामने हमारे पास कैपिटल कितना था 50,000 और बी इज गिवर, बी को इतने पैसे हमको देने के बाकी हैं. तो लाइबिलिटीज आया बीज अकाउंट, कितनी रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ हुई 8,000 की. तो हमने 8,000 लाइबिलिटीज़ में लिखा. अब देखो यहाँ पे सी प्लस एल लिखा है, यानी कि ये दोनों का टोटल 50 + 8 = 58, ये साइड भी 58 हो गया इक्वेशन. सो यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज हो रही है, सामने लाइबिलिटीज़ भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नंबर 5, गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 इज सोल्ड फॉर 10,000 इन कैश. गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000 इन कैश. चलिए तो इसमें गुड्स गोज आउट, कितने का गुड्स गया 7,000 का. हमने कैश में सेल किया है, सो कैश कम्स इन, कितनी कैश आई 10,000. 7 का गुड्स हमने 10 में सेल किया है तो क्या हुआ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ 3,000. सो इसकी 3 इफेक्ट रहेगी. चलिए देखते हैं, एक तो गुड्स में, एक कैश में और एक प्रॉफिट में. तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कैश ऑलरेडी हमारे पास कितना था 28. सो कैश कम्स इन यानी कि प्लस होगा इंक्रीज, कितना रुपीज़ आया 10,000. तो 28 + 10 कितना हुआ 38,000 का कैश. फिर फर्नीचर, ऑलरेडी हमारे पास 10,000 का फर्नीचर है, वो तो वैसे ही रहेगा. फिर गुड्स, सो गुड्स हमारे पास था 20,000 माइनस डिक्रीज हुआ यानी कि गया, कितने का गया 7,000 का, तो बचा 13,000. इसका टोटल लगाते हैं 38,000 प्लस 10,000 प्लस 13,000, सो 61,000. अब देखो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल कितनी है 50,000. अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में क्या करता है प्लस, मैंने बोला था प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा. अगर कोई अदर इनकम होगी तो कैपिटल में प्लस होगी और अदर एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में क्या होगा माइनस. तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 3,000, तो 50,000 में 3,000 ऐड करेंगे 53,000. सामने बी का लाइबिलिटीज है 8,000, सो 8,000. सो देखो 53 + 8 हो गया 61, सो इक्वेशन आ गया. नेक्स्ट नंबर 6, ₹6,000 paid for wages. सो वेजेस का पेड किया है तो कैश पेड है, सो इस दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. कैश गोज आउट एंड वेजेस इज एक्सपेंस, राइट. कितने रुपीस का है 6,000 का. चलिए तो इसको हम शॉर्ट आउट करते हैं. चलिए कैश गोज आउट हुआ, कैश गोज आउट हुआ तो कैश में से उतनी अमाउंट जाएगी, ओके. चलिए कैश में से उतनी अमाउंट अब माइनस करते हैं, तो फिर कैश हमारे पास कितना था, तो सर ऊपर लिखा उसके हिसाब से 38,000 था, उसमें से डिक्रीज हुआ कितना गया 6,000, यानी बचा कितना 32,000. बाकी का एज इट इज़, फर्नीचर 10,000, गुड्स 13,000, टोटल लगाइए 32 + 10 + 13, सो आंसर इज़ अ 55,000. चलिए अब हमारे पास कैपिटल कितना था, तो सर कैपिटल था 53,000. एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल में से माइनस होगा, कितना एक्सपेंस हुआ 6,000. 53 में से 6 निकालते हैं तो 47,000 और बी की लाइबिलिटीज़ थी 8,000. सो 47 + 8 हो गया 55. क्लियर. नाउ नंबर 7 देखते हैं. वेजेस आउटस्टैंडिंग 1,000 rupees.
1000 रुपीज का वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सो वेजेस इज अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग है देने का बाकी है, यानी कि वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। सो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ एज अबो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 55,000 एज अबो ही रहेगा। बट जो कैपिटल है, कैपिटल हमारे पास थी 47,000, उसमें से वेजेस एक्सपेंस बोला जाता है तो 1,000 माइनस हो जाएगा, सो 47 माइनस 1 46,000, और बी को देना था 8,000 और वापस आया आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना रुपीज़ 1,000, तो टोटल लाइबिलिटीज अब कितनी हुई 9,000 प्लस 46,000, सो अमाउंट इज 55,000। नेक्स्ट नंबर 8 देखते हैं, कमीशन रिसीव 4,000, सो कमीशन हमको मिला, सो कमीशन इज इनकम एंड मिला है तो कैश कम्स इन। सो देखो ये कमीशन पे एंट्री होगी और कैश पे एंट्री होगी, तो कैश कम्स इन, कैश हमारे पास कितना था ऑलरेडी 32,000 प्लस इंक्रीज हुआ कितना रुपीज़ आया कैश 4,000, सो टोटल अमाउंट 36,000। बाकी क्या था हमारे पास फर्नीचर एंड गुड्स 10,000 एंड 13,000, सो टोटल अमाउंट इज 59,000। चलिए सामने हमारे पास कैपिटल कितना था, तो ऊपर लिखा है उसमें 46 प्लस कमीशन मिला यानी कि इनकम हुई, इनकम कैपिटल में प्लस करते हैं 3,000, सो 4,000 है, सो 50,000 और सामने एज अबो 9,000, 50 प्लस 9 हो गया 59। क्लियर, तो इसमें इंक्रीज हुआ, इसमें भी इंक्रीज हुआ, यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज हुआ, इसकी बात करते हैं तो डिक्रीज हुआ, कैपिटल भी डिक्रीज हुआ। देखो आप देख सकते हो कि दोनों इक्वेशन में रहेगा, ए ए का जो आंसर है वही सी प्लस एल का टोटल लगाएंगे तो उसका भी वही सेम आंसर रहता है। सो नाउ नंबर 9, डिविडेंड रिसीव 9,000, सो डिविडेंड इज अ इनकम, एंड कैश कम्स इन। सो देखो कैश हमारे पास कितनी थी, ओके सॉरी रिसीवेबल है, सो डिविडेंड इज इनकम एंड रिसीवेबल डिविडेंड है, सो कैश नहीं मिला, कैश हमारे पास 36 था वैसे का वैसा ही रहेगा, फर्नीचर हमारे पास 10,000 का वैसा ही रहेगा, गुड्स हमारे पास 13,000 का वैसा ही रहेगा, और डिविडेंड का पैसा लेने का है, लेने का हुआ तो वन टाइप ऑफ क्या बोलेंगे उसको एसेट्स, सो रिसीवेबल डिविडेंड कितना रुपीज़ है 9,000, इसमें ऐड करते हैं तो टोटल आता है 68,000, सामने हमारे पास कैपिटल है 50,000 और डिविडेंड का मिलेगा, सो डिविडेंड उसमें ऐड होगा 9,000, सो 59,000 एंड ये एज अबो 9,000, सो टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 68,000, ये इंक्रीज हुआ ये इंक्रीज हुआ। नाउ नंबर 10, आई थिंक 10 अब नहीं लिख पाएंगे, तो 10 को देखो, मशीन परचेस रुपीज 8,000, तो हमने कैश में मशीन परचेस किया है, सो कैश गोज आउट एंड मशीन कम्स इन, तो आप देख सकते हो बुक में कैश में जो 36,000 है उसमें से 8,000 माइनस किया होगा और यहाँ पे मशीन आया है तो मशीन अकाउंट लिखा होगा 8,000, यानी कि टोटल अमाउंट 68,000 ही रहेगी, ए ही इंक्रीज होगा और ए ही डिक्रीज होगा, ये दोनों में कोई चेंजेस रहेगा नहीं। नंबर 11, लैंड परचेज फ्रॉम राधा
25,000. सो लैंड हमने परचेस किया है तो लैंड कम्स इन यानी कि एसेट्स हुई और राधा इज अ गिवर. ओके सो लैंड कम्स इन तो हमारी एसेट्स उतनी इंक्रीज हुई तो हमारे पास कैश जितना था उतना ही रहेगा, फर्नीचर जितना था उतना ही रहेगा, गुड्स जितना था उतना ही रहेगा, रिसीवेबल डिविडेंड जितना था उतना ही रहेगा. एक नया एसेट्स आएगा लैंड अकाउंट 25,000, कैपिटल एज अबव और लाइबिलिटीज़ में क्या होगा तो बी एंड आउटस्टैंडिंग तो था ही ऑलरेडी बट अब राधा को भी उतने पैसे देने के बाकी हैं सो राधा अकाउंट भी आएगा. ओके 25,000 एंड बोरोड बैंक लोन रुपीज़ 20,000 एंड कैश विदड्रॉन. सो इसमें हमने कैश लिया है, कैश हमारे पास आया और बैंक ने लोन दिया यानी कि कैश इंक्रीज होगा सामने लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज होगा 20,000. सो ये टेबल बना के हमने किया. तो ये थी फर्स्ट मेथड. अब सेकंड मेथड में क्या करना है तो सेकंड मेथड में हमको सिर्फ इंक्रीज एंड डिक्रीज ही करना है. चलिए देखते हैं उसमें कैसे करते हैं. तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, उसके कुछ ट्रांजेक्शन हम करेंगे, बाकी को आज आप होमवर्क में करना है आपको. सो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 उसका फर्स्ट. मैं ट्रांजेक्शन नहीं लिखूँगा. Write a general entry for the following transaction and explain accounting treatment based on equation. Okay, तो equation करना है. First, Ramesh has brought cash 20,000 and furniture 10,000 and commence a business. तो चलिए business में क्या आया वो लिखना है. So cash comes in, furniture comes in. Cash आया and furniture आया. ओनर इज गिवर. चलिए कितना कैश आया तो 20,000 का कैश आया, फर्नीचर 10,000 का आया और ओनर ने टोटल दिया 30,000. राइट तो कैश एंड फर्नीचर दोनों किस में आता है, एसेट्स. एसेट्स तो एसेट्स क्या हुई इंक्रीज, सामने कैपिटल ओनर देता है तो कैपिटल, कैपिटल भी क्या हुई इंक्रीज यानी कि ए इंक्रीज हुआ 30,000, सामने सी भी इंक्रीज हुआ 30,000, दोनों जगह सेम इंक्रीज हुआ. ओके नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं. 55,000 डिपॉजिट इन बैंक एंड ओपन अकाउंट. चलिए 5,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किया सो कैश गोज आउट एंड बैंक इज रिसीवर. कैश गोज आउट कितना रुपीज गया 5,000. चलिए देखते हैं इसमें कैसे करना है. तो हमारे पास से कैश गया, कैश इज अ वन टाइप ऑफ एसेट्स एंड बैंक में हमारा बैलेंस आया तो बैंक बैलेंस इज ऑलवेज वन टाइप ऑफ एसेट्स. यहाँ पे कैश गोज आउट यानी कि कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है. यहाँ पे बैंक में उतने पैसे आए यानी कि एसेट्स इंक्रीज हो रही है. सो ए पहले में डिक्रीज हुई और सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हुई यानी कि ए और ए में इंक्रीज हुआ और ए में ही डिक्रीज हुआ. नंबर 3 गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 परचेस फ्रॉम राजेश. राजेश के पास से हमने गुड्स परचेस किया है सो गुड्स कम्स इन एंड राजेश इज गिवर. कितने का गुड्स है तो सर 8,000 का है. चलिए गुड्स कम्स इन तो गुड्स यानी कि एसेट्स, एसेट्स क्या हुई इंक्रीज हुई. सामने राजेश के पास से परचेस किया है तो क्या हुई लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी क्या हुई इंक्रीज. सो ए इंक्रीज जितना हुआ उतना ही एल इंक्रीज हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुई सामने उतनी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. अगर आपको पता नहीं चलता है तो टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर्स में से सिर्फ 1 मार्क्स का होता है और जैसे ही स्कूल स्टार्ट होगा तब आपको जो भी डिफ़िकल्टी होगी ये सॉल्व करवा देंगे क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप सामने क्लास में होते हो तो अच्छी तरीके से समझ पाते हो. नंबर 4 गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 परचेज फॉर कैश. सो गुड्स हमने कैश में परचेस किया है सो गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट. तो गुड्स किस में आता है कितने का था 6,000. तो हमारे बिजनेस में से गुड्स गया, गुड्स यानी कि गुड्स आया यानी कि एसेट्स
इंक्रीज हुई कितना रुपीज 6000। सामने कैश गया, कैश भी वन टाइप ऑफ एसेट्स, एसेट्स क्या हुई डिक्रीज गई तो डिक्रीज हुई। चलो तो ए इंक्रीज हुआ और ए डिक्रीज हुआ, तो दोनों इफेक्ट इसके हिसाब से ही हुई। नाउ नंबर 5, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 सोल्ड फॉर 9000 टू रमन ऑन क्रेडिट। 5000 का गुड हमने रमन को 9000 में सेल किया है। सो देखो पहले तो गुड्स गोज आउट, कितने का गया 5000 का। रमन इज रिसीवर, कितना उसके पास से लेने का है 9000। एंड हमको क्या हुआ प्रॉफिट, कितने का हुआ 4, 5 का गुड्स 9 में सेल किया तो 4000 प्रॉफिट हुआ। अब देखो गुड्स गोज आउट यानी कि एसेट्स, गुड्स एसेट्स में आता है, गोज आउट यानी कि क्या हुआ डिक्रीज, यानी कि ए डिक्रीज हुआ 5000। देखना सामने रमन के पास से उतना लेना हुआ, लेने का होते तो क्या बोलते हैं एसेट्स क्या हुई इंक्रीज, ए इंक्रीज हुआ कितना रुपीज 9000। पहले 5000 डिक्रीज हुआ था, 9000 इंक्रीज हुआ, यानी कि ऑल ओवर कितना चेंजेस हुआ 4000 का। अगर प्रॉफिट हुआ 4000 तो प्रॉफिट किस में आता है कैपिटल में, कैपिटल क्या हुई इंक्रीज, तो सी भी इंक्रीज हुआ कितना रुपीज 4000 हो गया, दोनों साइड सेम अमाउंट इंक्रीज। नेक्स्ट नंबर 6, गुड्स ऑफ रुपीज 3000 सोल्ड फॉर 6000 इन कैश। 3000 का गुड्स हमने 6000 में सेल किया, सेम प्रोसेस गुड्स गोज आउट 3000, कैश कम्स इन 6000, एंड क्या हुआ प्रॉफिट कितना रुपीज हुआ 3000। चलिए गुड्स किस में आता है एसेट्स, कैश भी एसेट्स, एंड प्रॉफिट कैपिटल में। चलिए गोज आउट हुआ तो डिक्रीज, कम्स इन हुआ तो इंक्रीज, एंड प्रॉफिट हुआ तो इंक्रीज। ओके तो चलिए ए पहले में डिक्रीज हुआ, सेकंड में ए इंक्रीज हुआ, और सी भी क्या हुआ इंक्रीज, देखते हैं कितना 3000 पहले डिक्रीज हुआ, 6000 इंक्रीज हुआ, तो ऑल ओवर 3000 इंक्रीज हुआ, और यहाँ कैपिटल भी 3000 ही इंक्रीज हो रही है। नाउ नंबर 7, गुड्स ऑफ रुपीज 1000 रिटर्न टू राजेश। चलिए सो गुड्स का राजेश, ओके रिटर्न टू राजेश, तो यानी कि हमने राजेश को गुड्स रिटर्न किया है, सो गुड्स गोज आउट एंड राजेश इज रिसीवर, सो गुड्स आता है एसेट्स में, और राजेश के पास से हमने पहले परचेस किया था, सो राजेश आता है लाइबिलिटीज में। चलिए एसेट्स गोज आउट यानी कि एसेट्स डिक्रीज, हमने गुड्स रिटर्न किया है तो उतनी लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएगी, तो एसेट्स डिक्रीज सामने लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही है। नाउ नंबर 8, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 रिटर्न बाय रमन। रमन ने हमको गुड्स रिटर्न किया है, रमन ने हमको गुड्स रिटर्न किया है, तो गुड्स हमारे पास आएगा एंड रमन इज अ गिवर। चलिए गुड्स यानी कि एसेट्स, रमन को हमने सेल किया था पहले, यानी कि उतने पैसे लेने के बाकी थे, तो वो भी एसेट्स में ही आता है। चलिए तो गुड्स कम्स इन यानी कि इंक्रीज, और सामने गिवर है यानी कि उतनी उतना पैसा लेने का कम हो गया यानी कि डिक्रीज, तो ए इंक्रीज हुआ, सामने ए ही डिक्रीज हुआ। देखो यहाँ पे है रमन रिसीव, गुड्स रिसीव किया था तो एसेट्स इंक्रीज हुई थी, अब रमन रिटर्न कर रहा है तो उतनी एसेट्स क्या हो जाएगी कम। एंड नाउ नंबर 9, गुड्स ऑफ रुपीज 1000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। चलिए तो गुड्स गोज आउट एंड क्या हुआ लॉस, कितने का 1000। चलिए गुड्स किस में आता है एसेट्स में, और लॉस किस में लिखते हैं हम कैपिटल में। चलिए गुड्स गोज आउट यानी कि एसेट्स डिक्रीज, और लॉस हो रहा है तो कैपिटल भी क्या होगी डिक्रीज, यानी कि ए डिक्रीज सामने सी डिक्रीज। नाउ नंबर 10, सैलरी पेड रुपीज 2000,
सो सैलरी हमने पेड किया है, सो सैलरी इज एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट। तो सैलरी किस में आता है, तो सर सैलरी हम डालेंगे नॉमिनल यानी कि कैपिटल में, और कैश किस में आता है, एसेट्स में। चलिए, सो कैपिटल एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल डिक्रीज हुई, एसेट्स गोज आउट यानी कि डिक्रीज, यानी कि सी डिक्रीज सामने ए डिक्रीज। नंबर 11, सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 1000, तो सैलरी देने की बाकी है, तो सैलरी इज एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग है। तो देखो सैलरी कैपिटल में आएगा और आउटस्टैंडिंग है तो किस में आएगा, लाइबिलिटीज में। सो कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, सामने लाइबिलिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज उतना देने का बाकी है, यानी कि सी डिक्रीज हुआ एल इंक्रीज हुआ, तो ऑल ओवर कुछ भी चेंजेस हुआ नहीं। सो आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ओके, ये आप अपने हिसाब से सॉल्व कर देना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगता है तो पीछे मेरा नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये था चैप्टर नंबर 5, इसमें इतना ही है। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आई होप दैट कि आपको ये सब कुछ पता चला होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।